अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। ओबीसी आरक्षण कायम रखने कांग्रेस का बेलापुर में मोर्चा, मोदी सरकार का विरोध, कोंकण आयुक्त को दिया ज्ञापन। मोदी सरकार पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए नवी मुंबई कांग्रेस के ओबीसी सेल ने मंगलवार को कोंकण भवन पर मोर्चा निकाला और कोंकण आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए आरक्षण कायम रखने की मांग की। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे सेल के अध्यक्ष दिगंबर राउत ने कहा कि मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में बदलाव करने की फिराक में जुटी है। राउत ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो पिछड़ी जातियों के युवाओं को शिक्षा और नौकरियों में अवसर नहीं मिलेंगे। उन्होंने मोदी सरकार को ज्ञापन देकर आरक्षण कायम रखने की मांग की। मोर्चे में जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, नीला लिमय समेत तमाम पदाधिकारी शामिल थे। केंद्र सरकार है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो ओबीसी और एससी एक्ट में जो बदलाव करने के लिए या उनका जो उन्होंने जो सोचा है कि ये एक्ट खत्म करने का, उसके अगेंस्ट में वो जो स्टेप ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग ये कर रहे हैं कि ये जो स्टेप आप ले रहे हैं गलत है। आप जो ओबीसी और एससी एनटी जो शासकीय और शैक्षणिक में जो उनको छूट दी गई है वो कायम रहनी चाहिए, ये लोगों के भलाई के लिए है और वो संविधान में उसका आर्टिकल 16 में उनका ये बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये प्रोविज़न करके रखा है, उस तहत ये छूट दी जा रही है, तो ये कायम रहने के लिए हम लोग ने निवेदन दिया। आयुक्त ने ये जो हमने लेटर दिया है वो भारत सरकार को भेजेंगे और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया हमको। एक तर ओबीसीची जनगणना झालेली नाही आहे, अजून ती जनगणना झाली पाहिजे। दुसरी गोष्ट, ओबीसीचं जे आरक्षण ओबीसी एसटी एससी आदिवासी ट्राइब्स या सगळ्यांचं जे आतापर्यंत आरक्षण होतं ते आरक्षण संपवण्याच्या मार्गावर हे सरकारचं केंद्र सरकार चाललेलं आहे। केंद्र सरकार हे बीजेपी सरकार आणि संघ यांचा एक अजेंडा आहे की त्यांना संविधानाच्या मध्ये काही बदल करायचे आहेत आणि संविधान जे आपलं भारताचं संविधान आहे ते जर बदललं तर आमच्यासारख्या ओबीसी किंवा एससी एसटी लोकांसाठी ह्या केंद्रामध्ये किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आम्हाला बिलकुल जागा राहणार नाही आहे। आणि आज जो आम्ही आमच्या पुढच्या पिढीला जो एक हेल्दी भारत द्यायची आमची इच्छा आहे तो आम्हाला देता येणार नाही आहे। फक्त आमचं आरक्षण असंच असं राहावं आणि आम्हाला आमच्या मुलांना शिक्षणामध्ये नोकऱ्यांमध्ये सवलती कायम राहाव्यात, हीच आमची एक मागणी आहे। काँग्रेस पदाधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण और संविधान व्यवस्था में कोई बदलाव किया तो यह सामान्य वर्गों के अधिकारों का हनन होगा और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ तीव्र आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।